हेलो गाइस, तो हमारे पास एक माइक्रोडे का इन्वर्टर है, तो इस पर देख सकते हैं हमारा लो बैटरी आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे सप्लाई चेक करते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है इस पे बैटरी पे, जो बैटरी के 12 वोल्ट और निगेटिव हमारा अच्छे से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है यहाँ पर। तो बैटरी को डीसी का मोड पर रखना है आपको। सबसे पहले आपको इसको चेक करना है, इस एरिया पर पॉजिटिव आता है जो, ठीक है। तो इसमें नीचे आपको टर्मिनल पर चेक करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 12 वोल्ट जो है वो परफेक्ट आ रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इसको अभी 1 नंबर पिन पे, तो इसमें भी 5 वोल्ट बन रहा है। ठीक है गाइस, तो 3 नंबर पिन पे हम चेक करेंगे, तो 3 नंबर पिन पे हमारा देख सकते हैं 3.70 बन रहा है, मतलब ये भी सप्लाई सही बता रहा है। तो हमारा लो बैटरी क्यों है, ठीक है। तो हमारा लो बैटरी का कोई ऑप्शन ही नहीं आता, 3.3 वोल्ट में अगर आता है सप्लाई तो हमारा लो बैटरी क्यों आ रहा है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर लो बैटरी का कुछ मेंशन ही होना नहीं चाहिए था। तो वापस हम बैटरी को प्लस में खोल के लगाता हूँ, ठीक है। वापस आप लोगों को दिखाऊँ अभी क्या होता है, तो देख सकते हैं वापस यहाँ पर ऑफ करके लगाता हूँ। तो यहाँ से ऑफ करते हैं लगाते हैं तो आ चुके हैं फिलहाल ये, लेकिन ये वापस लो बैटरी का फॉल्ट आता है। ठीक है, तो हम बैकअप भी देते हैं इसका। तो बीच बीच में हमारा जो ये लो बैटरी का फॉल्ट वो आ जाता है, कस्टमर का घर पे भी आ जाता है लो बैटरी का फॉल्ट। ठीक है गाइस, तो अभी ये बैकअप दे रहा है, लेकिन आपका ये बैकअप जो है ये चला जाता है कभी कभार। ठीक है, तो बैकअप कभी कभार चला क्यों जाता है, आपको पहले तो चेक करना है। सबसे पहले आपका जो ये निगेटिव का जो पॉइंट है, ठीक है, इस निगेटिव पॉइंट को अगर नीचे से अच्छे से लगा हुआ नहीं होगा पिन, तो आपका ये क्या होगा, ये लो बैटरी का फॉल्ट दिखाएगा। ठीक है, और आपका अगर जो फ्यूज अच्छे से लगा हुआ नहीं होगा, तब भी आपका लो बैटरी का फॉल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव का पिन जो है ये भी अगर लूज कॉन्टेक्ट होगा, तब भी आपका लो बैटरी का फॉल्ट दिखाएगा आपको। ठीक है, तो अगर ये भी लूज होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन चलने के बाद ये भी लूज हो जाता है, मतलब आयरन टाइप के हो जाता है कार्बन टाइप का, तो ये भी लो बैटरी दिखाने लगता है। और एक जो कि आपका गैस है, ये 3 नंबर पिन पे अगर 2 वोल्ट के नीचे आ जाता है सप्लाई, तब भी आपका ये लो बैटरी फॉल्ट दिखाता है। ठीक है गैस, तो आपका अगर इसी तरह का फॉल्ट आ रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके बैटरी का जो टर्मिनल है ये लगा हुआ नट, इसको चेक करना है, और फिर इसको चेक करना है, और आपका ये जो पॉजिटिव है इसको जरूर से चेक करना है। ठीक है गाइस, अगर ये सब सही है आपका, तब भी लो बैटरी आ रहा है, तो आपको 3 नंबर पिन पे चेक करना है सप्लाई 3.5 है कि नहीं। अगर 3.5 है तो आपको ये दोनों सही है, तब भी आपका अगर सप्लाई सही है तो आपके ये इन दोनों को जरूर से आपको टाइट कर देना है, इसको निकलना है, निकलने का टाइट करना है। तो हमारा जो है ये पॉजिटिव वाला है वो लूज कॉन्टेक्ट है, मतलब जब ये अच्छे से करंट पास नहीं कर पाता है तब ये लो बैटरी दिखाता है। देख सकते हैं अभी ये जो है बैठ गया है, लो बैटरी फॉल्ट देख सकते हैं किस तरह से आ रहा है, देख सकते गाइस, तो इस प्रकार से आने लगता है। तो अब मैं सप्लाई चेक करता हूँ, तो कहाँ पर कितना सप्लाई आता है आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट छोड़ देता है। ठीक है, 12 वोल्ट से नीचे यहाँ पर छोड़ देता है, मतलब हमारा जो फॉल्ट है आपका लो बैटरी का यहाँ पर से आ रहा है इस पिन से। ठीक है, तो इस पिन को आपको जोर से चेक करना है। ठीक है, तो इसको खोल के आपको टाइट कर देना है। ठीक है, तो टाइट करने के बाद आपका ये जो लो बैटरी है ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन ज़्यादातर रहता है, फ्यूज, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव का लूज कॉन्टेक्ट होना, और ये 3 पिन पे 3.5 नहीं आना। ठीक है, तो लो बैटरी का फॉल्ट ज़्यादातर यहाँ पर ही होता है, और कभी कभार क्या होता है, मेन जो प्रोग्रामर आईसी है तो ये भी ख़राब हो जाता है।